मुकुंठ ते पैदल चल के दर्शन करके आइए नाम ते आइए। मुकुंठ ते पैदल चल के दर्शन करके आइए नाम ते आइए। अज हेमकुंड साहब के लिए साडे इलाके डेर बाबा नानक तो 29वीं यात्रा जी डॉक्टर गुरदेव सिंह जी की लैके चल रहे ने और उन्होंने डॉक्टर गुरदेव सिंह जी लैके चल रहे ने। डॉक्टर साहब ने 1994 दे यात्रा शुरू की सी। इन्ह ने होर भी बड़े उपराले कर रहे हैं। इस वे जो 400 साल से पिछे वो उत्ते इन्होंने ग्वालियर साहब जाके संत बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले की उन्होंने सहयोग के नाल इन्होंने उस यात्रा में पूरा नेपरे चढ़ाया। हुण उस तरह ही हर साल जो अं देखीदा वा कि यह जी संगत है ये वाधा ही हो जाता और लोगों जड़िया लोगों ने अपनी श्रद्धा के नाल जो आए जी उन्होंने कामनावान ने वह भी पूरिया होंगे। सो इस करके इन सारू साडिया बहुत बहुत ये अपने अपने असी गुरु महाराज जोड़ा है उन्होंने असीसा के नाल इतों गुरु नानक साहब के इतों चलते हैं तो गुरु नानक साहब तो चल के तो फिर अगे जा के उस गुरु महाराज दसवें पातशाह महाराज के उत्थे जाके उन्होंने अपना पूरा जो करते एक महीने के बाद इन्हों की यात्रा वा एक महीने के पूरा करके तो फिर अपना पूरा संपूर्ण करते हैं। और इस तरह ही मैं मेरिया शुभ इच्छावान ने कि परमात्मा जिस तरह इन्होंने गुरु महाराज ने इन्होंने कृपा करते आ इस तरह लंबी उम्र करे डॉक्टर साहब की और इस तरह ही लैके संगतों का जो विश्वास है उन्होंने लैके चलते। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन जोड़ा बड़ा पवित्र दिन है जो अज 29वीं यात्रा जो डॉक्टर साहब साढ़े बहुत अजीज़ ने इलाके डॉक्टर गुरदेव सिंह जी जो हर धारोवाली तो जो हर साल जो महाराज की कृपा नाल हेमकुंड साहब की पैदल यात्रा जो इतों लैके जाते हैं तो ये बड़ी कृपा है क्योंकि महाराज ने कहा सेवक को सेवा बनियाई हुक्म बूझ परम पद पाई। ये सेवा ता ही मिलती है जे उहदा हुक्म होए तो बड़ी सेवा निभा रहे हैं। गुरु महाराज की अज्ज की कृपा है चोला साहब संगत दर्शन कर आईया ने तो हुण इतों जिहड़े चाले पाने ने श्री हेमकुंड साहब के दर्शन करने वास्ते जो पैदल यात्रा है ये एक बड़ी कठिन यात्रा है कि जो पैदल यात्रा मैं याद है कि डॉक्टर साहब नूं बड़ी बार बड़िया बड़िया कठिनाइया आई हैं क्योंकि असी सारे ग्रस्त जीवन में हैं तो ग्रस्त जीवन में कई कई तरह दी प्रॉब्लम आउंदियां रहिंदियां लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हां ते महाराज ने ऐसी कृपा की है कि डॉक्टर साहब जिहड़े ने वो हर साल ही इह वाले दिन इत्थों संगतां लैके जांदे ने। दास दी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च यही अरदास है कि महाराज उन्हां नूं इसे तरह सेवा उन्हां को लैंदे रहन ते संगतां नूं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन कराउंदे रहन ते उन्हां नूं भी चढ़दियां कला बख्शिश करन। इन्ने बचन करदे दास फतेह बुलाउंदा है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये डेरा बाबा नानक तो तकरीबन 30 साल हो गए लगातार ये महापुरखों वालों डॉक्टर गुरदेव सिंह जी मैं तो इन्हों कहूँगा डॉक्टर बाबा जी बाबा गुरदेव सिंह जी धारोवाली वाले और नाल जिन्नी भी इन्हों की संगत है सारे ही संत महापुरख ने पैदल तुर के जाना होवे अपने पिंड तो अड्डे तक तो बंदा भी आसरे तक दा पर इन्हों का बहुत वड्डा उपराला सैकड़े कोहां दा जिहड़ा पैंडा वा वो पैदल चल के उन्हूं सर करके तो फिर वो एक इतिहासक एक महान वो जगह जिथे परमात्मा ने आप रूप धारिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने मैं हूँ परम पुरख को दासा देखण आयो जगत तमाशा